हेलो स्टूडेंट्स, ये स्काई हाइट्स, यहां हम आपको कराएंगे एमसीए एंट्रेंस की ऑनलाइन एग्जामिनेशन। स्टूडेंट, हम जानेंगे पहले एमसीए एंट्रेंस की ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराएंगे, लेकिन हम पहले जानेंगे एमसीए होता क्या है। एमसीए होता क्या है, आप जान ही चुके होंगे। एमसीए का मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका नाम है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसका जो ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड या तो 2 साल होता है या 3 साल होता है। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आपको 3 साल की ये होती होगी फ्री, यदि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कंप्लीट एमसीए कराई जाएगी। लेकिन अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कराते इंटीग्रेटेड ले रखा है, आपने इंटीग्रेटेड ले रखा है, तो क्या होगा, ये 2 साल के लिए कंप्लीट हो जाएगी। इसका टाइम ड्यूरेशन होता है आपका 3 ईयर अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। और मैं यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन ट्रेनिंग कराऊंगा वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के लिए ही कराऊंगा, तो आप 5 से 3 साल आपको इसमें देना है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अब एमसीए एंट्रेंस तो हम कराएंगे, लेकिन एमसीए कर कौन कौन बच्चा सकता है, तो आप जान लीजिए जो एमसीए कर सकता है बच्चा, पहले तो वो ग्रेजुएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरी चीज, ग्रेजुएट में भी आप बीसीए की होनी चाहिए या फिर आप बीबीए के स्टूडेंट होने चाहिए। आपने अगर बीटेक कर रखी तब भी सही है, कोई नहीं, बीटेक वाला बच्चा है। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से चाहते हो, अगर आपको एनआईटी वगैरह मिल रही है, तो आप क्या करोगे, बीटेक वाला इसमें कर सकता है, ठीक है ना। बीसीए या फिर बीएससी, बीएससी के स्टूडेंट भी मैं देख नहीं पाया, बीएससी के स्टूडेंट भी, ठीक है ना, चाहे आईटी से हो या मैथमेटिक्स से, आप कर सकते हैं। बीएससी स्टूडेंट इसको कर सकते हैं, एमसीए की तैयारी भी कर सकते हैं, एमसीए अच्छी इंडस्ट्री से कर सकते हैं। एक चीज मान लीजिए, जो कंपनीज है, जो कंपनी है वो एमसीए को बहुत प्रेफरेंस करती है। आईटी सेक्टर में अगर आपको जाना है तो आपका एमसीए होना चाहिए, या आपने बीटेक कर रखी है सीएससी, वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। इसमें भी डिपेंड करता है कि आपने यूनिवर्सिटी कौन सी यूज की, ठीक है ना। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर रखी है तो आपको क्या है, तब आपका एमसीए से इक्वल माना जाएगा, कंपनी आप दोनों को सेम मानेगी, बीटेक वाले को भी और एमसीए वाले को, ठीक है ना। अब देखिए, एमसीए कराता कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूंगा। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है वो एनआईटी, ये निमसेट, ये जो निमसेट है, कोई एनआईटी जो है वो एक पेपर का नाम है, एग्जाम का नाम है निमसेट। तो एमसीए के लिए अगर आपको एनआईटी से एमसीए करनी है तो आपको निमसेट नाम का एक एग्जाम आता है जो अप्रैल में भरा जाएगा और मई के लास्ट में 27 मई कभी 28 मई ऐसे बात होता है, और 6 जून के करीब तक रिजल्ट आ जाता है, कभी 10 जून तक भी चला जाता है, लेकिन आपका स्टार्टिंग में रिजल्ट आ जाएगा। और इसमें आपको एनआईटी 11 एनआईटी में, जिसको मैं अगले वीडियोस में या अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, एनआईटी में कितनी यूनिवर्सिटीज है, कितना कितना प्लेसमेंट है, मैं आगे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। एक है बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये भी अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। ये अभी जो आईआईटी लोग जानते हैं कि आईआईटी बीएचयू क्या है, ये बीएचयू और आईआईटी बीएचयू दो चीजें अलग अलग है। अगर आप आईआईटी बीएचयू की बात करते हैं, मतलब आप बीटेक डिपार्टमेंट में चले गए, एमटेक टेक डिपार्टमेंट में चले गए, लेकिन अगर आप बीएचयू में एमसीए हुई या अदर कोई ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री होती है, तो क्या है, वो आपको सिंपल बीएचयू करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भी सही यूनिवर्सिटी है, लेवल बिगा नहीं, सही है, आपको पैसे भी कम मिलेंगे, सही है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आपको निमसेट के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए, अगर आपको निमसेट मिले तो बेटर, अगर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मिले उसके बाद आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी करनी चाहिए चूज। पुणे यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद जो है वो क्या है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। दूसरी चीज, यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिलता है, यहाँ पर आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा, मतलब आप मान लीजिए अगर इंडिया में आपको आईटी सेक्टर में जाना है तो आप हैदराबाद जाएंगे, सब कुछ आपको वहां मिलेगा, हैदराबाद में जाके मिल जाए, बहुत बड़ा स्कोप है आपको हैदराबाद, बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है और बहुत ही कंपनियां भी हैदराबाद में जा रहा है। अगली आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ड्यू बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और मान लीजिए आपका एंड अदर नेशनल लेवल की आपकी, मान लीजिए जैसे यूपी की हो तो आपको यूपीटी हो गई, दिल्ली की हो तो आईपी यूनिवर्सिटी हो गई, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। ये सब क्या है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। एक तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो बहुत बेटर है, जैसे बीआईटी हो गई, बीआईटी बिरला इंस्टीट्यूट,
एक VIT और भी बहुत सारी इवेंट तो अलग अलग आ जाती है। अगर आपको प्राइवेट में भी जाना है तो बहुत पैसा खर्च कर ही रही है, ज्यादा पैसा है आपके पास प्राइवेट से कर लीजिए, लेकिन अगर आपके पास मिनिमम पैसा है, हिसाब का पैसा है, तो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से MCA कीजिए और मैं आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन कराऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा आपको कि क्या क्या यूज होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट यूज होता है। तो इसमें ज्यादा सब्जेक्ट यूज नहीं होते, चार सब्जेक्ट होंगे, एक तो आपको मैथ्स यूज करना, मतलब मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, दूसरी आपकी रीजनिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ठीक है ना, रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। इसमें इंग्लिश का भी पार्ट आता है, इंग्लिश बहुत कम आती है, इंग्लिश और कंप्यूटर, कंप्यूटर के कुल 10 क्वेश्चन के करीब आते हैं, कोई नहीं है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन यहाँ JNU और इसमें एक दो क्वेश्चन बनता है, इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अगर IIT में जाते हो तो आपको IIT यूनिवर्सिटी जो है स्टेट लेवल की, वो आपको इंग्लिश ज्यादा मिलेगी, लेकिन एप्टीट्यूड और मैथ्स, अगर आप NIT में जा रहे हैं, टोटल 11 NITs हैं, वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग और एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैथ्स में भी आपको सब जानते हो कम्प्लीट है, चाहे कैलकुलस हो, एलजेब्रा हो, चाहे प्रोबेबिलिटी हो, सब कुछ किसमें आएगा, मैथ्स में आपको पढ़ना होता है, ठीक है ना। मैं एक एक चीज की प्रिपरेशन कराऊंगा, मैं इस साल से आपको मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश और कंप्यूटर सब कुछ बताऊंगा। आप टिके रहे चैनल पे और मैं एक के बाद एक वीडियोस को अपलोड करता रहूंगा, जो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने वाला हूँ कि NCERT की कितनी NITs हैं, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वेरी मच, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, अगर जिसको भी ये नीड है प्लीज इस शेयर जरूर कर दें उससे, और मैं ऑनलाइन आपको पढ़ने के लिए तैयार। हेलो स्टूडेंट्स, हम NIT के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो NIT यानी इंडियन सेट, NCERT के बारे में बता चुका हूं, एक एग्जाम होता है सिंपल, NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, NIT हमें MCA कराती है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ये क्वेश्चन कितने कितने आते हैं, इस बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या बात करेंगे, NITs कौन कौन सी होती है, ठीक है ना, प्लेसमेंट कितना है उनका, और दूसरी चीज क्या है कि उनमें सीट्स कितनी है, ठीक है ना, इस बारे में बात करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, पहले हम जानेंगे, देखो NIT जो है वो कौन कौन स्टूडेंट कर सकता है, बता दिया था मैंने, BC और BSc वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज, बच्चा अगर पिछले थोड़ा पहले बताना भूल गया था, उसको या तो बच्चा फाइनल ईयर में होना चाहिए, अगर आप फाइनल ईयर में हो, फाइनल सेमेस्टर में हो, तो आप फॉर्म भर सकते हो NIT, ठीक है ना। और दूसरी चीज, आपको क्या है, कंप्लीट डिग्री कर रखी है, कंप्लीट डिग्री है तब भी आप NIT का फॉर्म भर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब है आपकी ग्रेजुएशन में कम से कम कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 60%, सारी मिला के ओनली ग्रेजुएशन में कितनी होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए, एग्रीगेट सभी सब्जेक्ट को मिला के क्या होना चाहिए, 60%। नेक्स्ट, अगर आपका CGPA है, CGPA है तो क्या होना चाहिए, 6.5 होना चाहिए, इसमें से 10 पॉइंट्स में से, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक और बच्चे के लिए मैं बात करता हूँ, जो SC और ST के स्टूडेंट होते हैं, SC और ST स्टूडेंट होते हैं, उनके क्या है, 55% होना चाहिए एग्रीगेट, उनकी परसेंटेज 55% होना चाहिए, और ये सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप 10th का भी मिला रहे हैं, 12th का भी मिला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब हम सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पर ही बात करेंगे इसमें। नेक्स्ट, अब इसकी बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है। एग्जाम पैटर्न में मैंने आपको पिछली बार बता चुका था, मैथ्स, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, इंग्लिश और कंप्यूटर, ठीक है ना। मैथ्स के जो है इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 12 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 12 नंबर का होता है, तो टोटल आपके कितने नंबर हो गए, 12×60 यानी 600 नंबर का आपका मैथ्स ही मैथ्स आता है, ठीक है ना। मैथ्स कितने का आता है, 600 नंबर का आता है, तो हमारा जो मेन फोकस होता है यानी 70% से ऊपर किसका आता है, मैथ्स क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 12 नंबर का आता है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मार्क्स कितना मिलता है, हाफ, जस्ट 12 मिलता है 6, और कितना, 240 नंबर आपके रीजनिंग, इसी भी होती है, जल्दी हो जाएगी, ठीक है, हमें जो काम करना है वो मैथ्स के वर्क करना है, ठीक है। इंग्लिश 20 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स दिया जाता है, इसलिए 80 में मार्क्स के टोटल होते हैं 20 क्वेश्चन।
सेम एज कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन आते हैं इसे और 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इसलिए 80 मार्क्स का ये होता है। तो टोटल हमारे 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 ही मिनट होती है, मतलब कितनी 2 आवर्स होते हैं, 2 आवर्स का पेपर होता है, ठीक है ना। तो सेम है 2 आवर्स में 120 मिनट्स होती है, तो 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स। अब 120 क्वेश्चन 120 मिनट, ठीक है ना, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। और मैथ्स के क्वेश्चन में तो कैलकुलस की है, प्रोबेबिलिटी है, अलजेब्रा के लिए क्वेश्चन, तो इतने सारे क्वेश्चंस के लिए क्या यूज होता है, शॉर्ट ट्रिक्स। तो मैं ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स यूज करूंगा क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के लिए, मेरे जो क्वेश्चंस होंगे वो ज्यादातर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक ही हूं, ठीक है। अब आप ये तो जान लिया, एक और चीज इसमें एक प्रॉब्लम है, एक चीज याद रखना, हर साल वैसे तो एनएटी ने अभी तक चेंज नहीं किया है, लेकिन चेंज हो सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो सकता है, आपका एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो सकता है। तो जैसे ही चेंज होगा, फॉर्म आएगा, तो मैं आपको दूसरी वीडियो बना के आपको बता सकता हूँ, या फिर आप मुझे मेल आईडी पर, मेल में आपको लास्ट में मेल आईडी दूंगा नहीं, आप मुझे मेल करके भी वहां से पूछ सकते। वैसे तो मैं आपको बता ही दूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, अब देखिए सिलेबस में बताई चुका हूँ, 4 होते हैं, मैथ्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब अगली वीडियो में जो हम बात करेंगे उसमें अगले स्टेप में, सॉरी अगले स्टेप में बात करेंगे, हम जिसके बारे में बात करेंगे, एनआईटी कौन कौन सी होती है और कितनी सीट्स, ठीक है। तो हम बात करेंगे एनआईटी के बारे में, कितनी एनआईटी हैं और उनमें सीट्स कितनी है, ठीक है ना। तो 11 एनआईटी हैं, टोटल 11 एनआईटी। सबसे पहले आती है एनआईटी त्रिची, एनआईटी त्रिची में 92 सीट्स, और दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, एनआईटी वारंगल, इसमें कितनी सीट्स हैं, 46 सीट्स हैं, ठीक है ना। लेकिन एनआईटी त्रिची और एनआईटी वारंगल ये 1 और 2 भी तो है, लेकिन अगर प्लेसमेंट की बात करें तो एनआईटी त्रिची जो है, एनआईटी त्रिची और एनआईटी वारंगल में एक तरह से मान लीजिए जमीन और आसमान का फर्क है। एनआईटी त्रिची बहुत ऊपर है, आपको एनआईटी त्रिची के लिए ही पढ़ना है, अगर आपको बेस्ट एनआईटी चाहिए, अगर बेस्ट प्लेसमेंट करना है। अगर हम बेस्ट एनआईटी की बात करते हैं, त्रिची इससे बड़ी कोई चीज, एमसीए के लिए कंपनी में जॉब करना है, अच्छी कंपनी में जॉब करना है, तो क्या होगी आपकी फर्स्ट चॉइस होगी एनआईटी त्रिची, जो सबसे बन करती है। उसके बाद वारंगल की बात करते हैं, वारंगल में 46 सीटें हैं और ये सेकंड नंबर पर आती है, इसका भी प्लेसमेंट एनआईटी त्रिची से बेकार है, मतलब एनआईटी त्रिची से कम है लेकिन बेकार नहीं कहेंगे हमसे, ठीक है। तीसरे नंबर पर सूरत का आती है, 92 सीट्स हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर अलाहाबाद आती है, ये तीनों साउथ साइड में चली जाती है यूनिवर्सिटी, अलाहाबाद यूपी में आ जाती है, जिसमें 93 सीट्स हैं, ठीक है ना। इसका प्लेसमेंट एक बार बहुत अच्छा गया था, लेकिन अभी भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहता है, कम से कम 20-25 लाख के आसपास रहता है, अब कम भी चला जाता है, ऊपर भी चला जाता है, 10-12 भी पहुंच जाता है, लेकिन बहुत अच्छी बस, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी एनआईटी भोपाल, पांचवें नंबर पर, जिसमें कितनी सीटें, 92 है। जमशेदपुर छठे नंबर पर आती है, उसमें 92 सीट्स हैं। सातवें नंबर पर कौन सी आती है आपकी, एनआईटी कुरुक्षेत्र। देखिए अगर आपको टॉप 7 एनआईटीज मिलती है, टॉप 7 एनआईटीज मिलती है, तो आपको ज्वाइन करनी चाहिए 7 एनआईटीज। अगर आपको 7 एनआईटीज में से किसी में नहीं जाना, लेकिन जैसे आप 8 पे जाते हो, दुर्गापुर पे जाते हो, तो एक बार आपको अगर जेएनयू मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जेएनयू मिल रहा है, तो आपको चूज करना चाहिए जेएनयू, क्योंकि 7 एनआईटीज से ऊपर तो कुछ है ही, 7 एनआईटीज से ज्यादा अच्छी कोई चीज नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको पढ़ने के लिए बेटर है। लेकिन अगर आपकी इतनी अच्छी रैंक नहीं है कि आपकी मतलब एनआईटीज 700 चीज में मिल रहा है आपको, तो आप दुर्गापुर से पहले आपको जेएनयू अच्छी रैंक चली जाती है, जेएनयू में आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो आप वहां रहेंगे जेएनयू में रहेंगे। लेकिन जेएनयू में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन देखनी पड़ेगी कि आपको क्या होना चाहिए, डिग्री तो होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन की, क्या आपने बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीए किया, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने 10th क्लास में, 12th क्लास में और ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ्स होना कंपलसरी है, मैथ्स आपके पास होना
कंपलसरी ध्यान देना चाहिए। और आपकी ग्रेजुएशन कितनी परसेंट होनी चाहिए? 55%। लेकिन एनआईटी में कितनी होनी चाहिए? 60% आपकी ग्रेजुएशन में कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका सिलेबस जो है वो अभी बात कर लेते हैं। तो 10+2 लेवल का दिया था, ग्रेजुएशन लेवल का दिया था। 80 क्वेश्चंस इसके मैथ्स के ही आते हैं, और 80 क्वेश्चंस में मैथ्स के साथ साथ प्रोबेबिलिटी, मैंने प्रोबेबिलिटी इसलिए लिखा है मैथ्स का ही पार्ट है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं जेएनयू में प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है ना। इसके 20% जो पार्ट है वो रीजनिंग और एप्टीट्यूड में या कॉमर्स में चल रहा है, कंप्यूटर में चल रहा है, ठीक है। अगर आपको उसके बाद में आपको ये दो एनआईटी मिल गए, एनआईटी दुर्गापुर और एनआईटी कलीगढ़, तो आप यहाँ आएंगे। लेकिन इनके बाद में आपको ये 10 और 11 नंबर पर नजर आती है, अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिले तो बीएचयू या अदर यूनिवर्सिटी है उनसे ज्यादा बेटर है आपकी। जैसे पुणे यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर आपको इनमें से नहीं मिल पाता तो आप उनको भी कर सकते हो, उन यूनिवर्सिटीज को भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं सारी की सारी यूनिवर्सिटीज का क्या कराऊंगा, आपको प्रिपरेशन ऑनलाइन कराऊंगा। हमारी जो स्टार्टिंग होगी वीडियो की वो मैथ्स की वीडियो से होगी, और वो होगा स्टार्ट होगा डिटरमिनेंट्स, ठीक है। हम इससे स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी डिटरमिनेंट्स पे होगी, और फुल ऑन ज्यादातर हमारे शॉर्ट ट्रिक्स क्वेश्चन होंगे, ज्यादातर हमारे शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन पे हम वीडियो को बनाएंगे।